अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों दोस्तों बहनों बुजुर्गों और गुगलू गुगलू बच्चों, ईद के तीनों दिन माशाल्लाह से गुजर गए, बड़े अच्छे गुजरे। लेकिन कुछ बैड न्यूज भी है, और एक और न्यूज है कि समंदर पे कुछ नौजवान नहाने के लिए गए, जो कि हर साल होता है हॉक्स बे पे। एक समंदर में नौजवान ने डुबकी लगाई और फिर वो वापस नहीं आया। होता यह है कि बहुत सारी लड़कियां वहां पर खड़ी हुई होती है, लिपस्टिक लगाए हुए, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए, चमकीले कपड़े पहने हुए, सिगरेट की पन्नियों के बने हुए कपड़े पहने हुए, और वो जो है वो यूं करके देखती हैं, लड़का उन्हें यूं करके देखता है, और उनको देखते 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 वो लंबी सी छलांग मारता है कि मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा तैराक हूं, और वो बेचारा समंदर से नहीं लड़ पाता और अल्लाह को प्यारा हो जाता है, और घर वाले ईद का दिन सोग में गुजारते हैं। और ये हर साल कोई ना कोई सानिया जरूर होता है समंदर के ऊपर, कराची में खासतौर पर। तो भाई खुदा के वास्ते जरा इन चीजों से गुरेज करें, किसी के कहने में, किसी की कनखियों से, किसी की अखियां लड़ने से अपने आप को खतरों में ना डालें, अपनी जान को बर्बाद ना करें, लाइफ को एंजॉय करें और घर वालों को भी थोड़ा सुकून दें। अच्छा, मैंने बताया था कि नूरजहां, मैंने क्या बताया था, सबको पता है कि कराची जू में नूरजहां नामी हथनी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। काफी दिन बीमार रहने के बाद वो तालाब में गिर गई थी, और उसके बाद जो है वो दूसरी हथनी जो है वहां पर मधुबाला, एक तो नाम बड़े अजीब है, लेजेंडरी हमारे नाम है नूरजहां मधुबाला, नाम ऐसे रखते हैं। जो सुलूक आर्टिस्टों के साथ होता है यहाँ पर, वही सुलूक जानवरों के साथ हो रहा है। आर्टिस्टों को भी एक बार जब वो उरूज पे होते हैं, उरूज पे होते हैं, वही चढ़ते सूरज की पूजा है, जब तक वो उरूज पे होते हैं उनकी वाहवाह हो रही होती है, उनकी हामिया मिलाई जा रही होती है, उसके बाद उन्हें पूछा ही नहीं जाता। बहरहाल मधुबाला को सफारी पार्क में जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, और उसके सारे टेस्ट भी हो रहे हैं, और वहां पर देखते हैं कि उसके साथ क्या हशर होता है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, इंसानों का, यहाँ के और यहाँ के जानवरों का। बहरहाल और एक खबर और है, वो मैं थोड़ा सा आपको लेट सुना रहा हूँ, लेकिन मैंने वीडियो भी देखा। जब रमजान खत्म होने वाले होते हैं तो सब बड़ा जो है वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि अलविदा अलविदा माहे रमजान। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने फरमाया है एक वीडियो में, वो वायरल वीडियो है, उनकी सारी वीडियो वायरल होती है, बड़ा इंजॉय करके वो जो है वो अपना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जब रमजान खत्म हो रहे हो तो आप लोग वावेला ना बचाएं, रोए धोए नहीं, बल्कि टेंशन खत्म, लाइफ को एंजॉय करें कि भाई जान छुटी, टेंशन खत्म। ये उन्होंने दो जुमले बोले, टेंशन खत्म और जान छुटी। आप लोग अपनी उनके पेज पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैं वीडियो आपको दिखा नहीं रहा हूँ। बहरहाल उनका अपना स्टाइल है। फिर अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आप एकदम सर पे हाथ रख के कहें, दाता जी की घोड़ी फिर वही अंधेरी रात, और अपने दर्द को कहें कि वो यहां से ट्रांसफर होके कहीं और चला जाए, तो दर्द फौरन जो है वो भाग जाएगा। ये हमारे बहुत ही प्यारे 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 मीठे मीठे हमारे बप्पा हैं अतारी साहब, उन्होंने फरमाया ये वजीफा। अब जो करेगा वो भरेगा, मतलब भरेगा क्या, जो करेगा उसी को पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है भारत। लेकिन हम किस तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से चीजें फैला रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हमें हमारी पहले ही जान नहीं छुटी हुई जुनेद बंगाली और अम्मा बंगालन और फलाने और ढमकाने ज्योतिषियों से, और हमारे जो प्यारे प्यारे बुजुर्गवार हैं वो एक अजीब अजीब वजीफे बता रहे हैं। हो सकता है भाई ये सही हो, कोई करके देख ले, मुझे तो बिल्कुल समझ में आया नहीं है भारत। लेकिन ये है कि एक दफा मैं फिर दोहरा दूं कि सर पे हाथ रखें और आप कहें, दाता जी की घोड़ी फिर वही अंधेरी रात, आपका सर का दर्द उस घोड़ी पे बैठ के रफू चक्कर हो जाएगा, और सितारे इम्तियाज जो है वो किसको जाएगा वो आपको पता है। आप कुछ भी कर लें, जितने भी जान लगा लें, जितने भी आप इजादात कर लें, लेकिन सितारे इम्तियाज जो है हमारी महवी शराय साहिबा को मिला है। देखते रहिए शैतानी न्यूज, अल्लाह निगेबान।